नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान लगातार जारी है। इसी तारतम्य में विगत एक सप्ताह से मवेशियों को पकड़कर गौठान में रखा जा रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों से आवारा पशुओं की धरपकड़ लगातार की जा रही है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने गोधन को संरक्षित करने रोका छेका संकल्प अभियान के तहत पशु मालिकों को अपने मवेशियों की स्वयं सुरक्षा करने, चारा पानी की समुचित व्यवस्था करने कहा है, जिससे अनावश्यक घूमने वाले मवेशियों के चलते परेशानी न हो। भिलाई निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमते हुए पाए जाने पर इन्हें पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पकड़े हुए मवेशियों को शहरी गौठान में रखा जा रहा है और पशु मालिकों से अर्थदंड लेकर लौटाया जा रहा है। इसके बाद भी दोबारा पशुपालक के पशु आवारा की तरह सड़कों पर घूमते नजर आए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गोधन को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशु यातायात में बाधक बनकर दुर्घटना का कारण बनते हैं, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं में पशुधन और जनधन दोनों की हानि होती है। सड़क किनारे घूम रहे कई आवारा पशुओं की धरपकड़ अब तक की जा चुकी है। पकड़े गए गाय, बैल, भैंस, बछिया एवं अन्य पशुओं को निगम द्वारा संचालित शहरी गौठान में रखा गया है। वहीं मवेशियों को छुड़ाने आने वाले पशुपालकों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।